दोस्तों थंबनेल आपने देख लिया होगा, छह बड़े टेलीकॉम प्लेयर्स दोस्तों यस, जिसमें नाम आ रहा है रिलायंस का भी। इन पे दोस्तों सवा दो करोड़ 21 लाख रुपए का दोस्तों यहां पे बकाया निकलता है। किसका? अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का दोस्तों यस। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इतना पैसा लेना है, डिफॉल्टर दोस्तों होती हुई नजर आती है इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज। इसमें एयरटेल भी है, वोडाफोन भी और आइडिया भी दोस्तों, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज। दोस्तों क्या है रिपोर्ट, उसके बारे में चर्चा करेंगे स्टूडियो में। प्लीज बने रहे स्टूडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत्रा, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील। तो फिलहाल दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कोई भी टेलीकॉम कंपनी को किसी भी राज्य में सिटी में काम करना है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की परमिशन लेनी पड़ती है। खुदाई के लिए, पाइपलाइन बिछाने के लिए, फाइबर ऑप्टिक्स बिछाने के लिए बहुत सारी चीजें होती है जिसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है और अच्छा खासा रेंटल और पैसा भी चुकाना पड़ता है स्टेट की प्रॉपर्टीज को यूज करने के लिए कॉर्पोरेशन को। तो दोस्तों फिलहाल अगर बात कर ली जाए अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 करोड़ 21 लाख ऑलमोस्ट दोस्तों सवा 2 करोड़ यहाँ पे मांगता है छह बड़े टेलीकॉम प्लेयर से। जो बात निकल के आई है, छह के नाम बताऊंगा दोस्तों कितना कितना पैसा बाकी। देख सकते हैं सिक्स टेलीकॉम कंपनीज ओ एमसी 2.2 करोड़ दोस्तों यस, 2 करोड़ 21 लाख रुपए यहां पे चुकाना है अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मेरी पुरानी सिटी अहमदाबाद सिटी। दोस्तों येट टू रिकवर 2 करोड़ 21 लाख फ्रॉम द टैक्स, टैक्स देना दोस्तों इतना सारा टैक्स यहाँ पे देना है। सिक्स टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, छह बड़ी कंपनीज है और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने दोस्तों अनाउंस किया कि इट विल एक्सेप्ट 2000 नोट्स इन पेमेंट्स ऑफ प्रॉपर्टी टैक्सेस। इनको दोस्तों प्रॉपर्टी टैक्स है दोस्तों यहाँ पे अच्छा खासा टैक्स चुकाना है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को। जैसे हम घर का चुकाते हैं ना, टैक्स देना पड़ता है कॉर्पोरेशन को, वैसे ही दोस्तों उनका टैक्सेस बाकी है। यहाँ तक कि इनको रियायत दी गई कि आप 2000 के नोट है ना जो अभी फिलहाल बंद होने वाले, उनको भी आप यहाँ पे दे के पैसा चुका सकते हैं। जैनिक वकील है दोस्तों, चेयरमैन है अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, रेवेन्यू कमेटी के। वो बता रहे हैं कि सिक्स टेलीकॉम कंपनीज हैज ह्यूज ड्यूज नोटिस हैव बीन इश्यू टू देम, बहुत बड़ा ड्यू है छह कंपनियों के ऊपर, टेलीकॉम कंपनीज पर हमने नोटिस ऑलरेडी यहां पे चिपका दिया, दे दिया इनको। और बात की जा रही रिकवरी की, ड्राइव भी हम यहां पे स्टार्ट करेंगे जितने भी डिफॉल्टर्स से, सारे के सारे जो पैसे नहीं दे रहे। उन्होंने बात की कि यहां पे डिफॉल्टिंग बिजनेस जो हॉस्पिटलिटी, आईटी, फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन, रिटेल सेक्टर, सारे के सारे को हम यहां पे नोटिस देने वाले, खास करके उन टेलीकॉम कंपनीज की अगर बात की तो छह कंपनीज में नंबर वन दोस्तों निकल गया था सबसे ज्यादा पैसा यहां पे 1 करोड़ निकल गया था। 2 करोड़ 21 लाख में 1 करोड़ तो सिर्फ एक कंपनी का, वो है रिलायंस कम्युनिकेशन। अब आपका दिमाग छटकरा हो गया, रिलायंस कम्युनिकेशन क्या मुकेश अंबानी की यस जियो है, इतना पैसा कमाते हैं 1 करोड़ नहीं देते? नहीं, ये अनिल अंबानी वाली कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन। अनिल अंबानी जो सो कॉल्ड 200 डिफॉल्टर बन चुके, अच्छा खासा पैसा है उनके ऊपर बैंकों का लेना निकलता है, उन्हीं की दोस्तों ये रिलायंस कम्युनिकेशन है जिसको 1 करोड़ यहां पे अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को टैक्स का पैसा चुकाना है। तो ये डिफॉल्टर दोस्तों बनते नजर आ रहे हैं। दूसरे नंबर पे दोस्तों यहां पे आता है टाटा टेली सर्विसेज, जिसने भी अपनी सर्विसेज बंद कर दी अहमदाबाद में। टाटा टेली सर्विसेज, डोकोमो वगैरह चलते थे, इनका पहला पुछला बुखाया बाकी दोस्तों लगता है यहां पे, क्योंकि इनकी सर्विस बंद हुए सालों हो चुके हैं। 44.19 लाख ऑलमोस्ट 44.45 लाख दोस्तों टाटा टेली सर्विसेज है। तीसरे नंबर पे दोस्तों यहां पे निकल के आता है गुजरात टेली लिंक, 44 लाख निकल के आता है। चौथे नंबर पे दोस्तों भारतीय एयरटेल, यस दोस्तों अभी का भारतीय एयरटेल निकल के आता है 16 लाख 3 हजार रुपए कुछ यहां पे चुकाना है। और पांचवें नंबर पे दोस्तों आइडिया निकल के आता है, आइडिया भी भारत काम करता था गुजरात के अंदर, उसके बाद ये वोडाफोन आइडिया बने, तो आइडिया को चुकाना है 9 लाख 76 हजार। और अगर बात करें लास्ट में तो वोडाफोन ग्रुप दोस्तों निकल के आता है 6 लाख 95 हजार। तो टोटल जो सम अमाउंट निकलता है वो 2 करोड़ 21 लाख निकलता है। इसमें सबसे ज्यादा अमाउंट है रिलायंस कम्युनिकेशन अनिल अंबानी का, उसके बाद में दोस्तों थोड़ा थोड़ा करते हुए आता है जहां पे एयरटेल भी है, वोडाफोन भी है और आइडिया भी, इनको भी अच्छा खासा टैक्स का पैसा यहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अहमदाबाद को यहां पे चुकाना है। तो ये थी दोस्तों सबसे बड़ी खबर। पहले मुझे भी ऐसा लग रहा था यहां पे जो न्यूज रूमर्स निकल के आते कि जियो का पैसा बाकी, इतनी बड़ी टेलीकॉम कंपनीज ने पैसा नहीं दिया। फिलहाल इसमें जियो दोस्तों यहां पे नहीं, लेकिन हां एयरटेल है, आइडिया है, वोडाफोन आइडिया, इनको भी दोस्तों अच्छा खासा पैसा टैक्स का चुकाना है। तो मुझे समझ भी नहीं आता कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज, खास करके मैं अनिल अंबानी की बात नहीं कर रहा, खास करके आइडिया की बात करूं, भारतीय एयरटेल की बात करूं, वोडाफोन ग्रुप की बात करूं, ये अभी एग्जिस्ट करते हैं मर्जर के साथ भी, तो ये कंपनियां पैसा क्यों नहीं चुकाती और अमाउंट भी कुछ ज्यादा नहीं है, 7 लाख 9 लाख 10 लाख 16 लाख जितनी अमाउंट है, हजारों करोड़ों का बिजनेस करती है, हजारों करोड़ों का इनका एसेट्स है, उसके बावजूद अगर टैक्स नहीं चुकाते तो ये ऐसा क्यों करते पता नहीं। क्योंकि एएमसी तो फिलहाल नोटिस चिपका रही डिफॉल्टर्स का, पैसा रिकवरी बात की जा रही कि इनसे लिया जाएगा, बहुत जल्दी लिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी खबर थी दोस्तों के यहाँ पे भारत में अभी भी टेलीकॉम कंपनीज कुछ कुछ जगह पे, कुछ कुछ सिटीज के अंदर यहाँ पे टैक्सेस
यहाँ पे नहीं भरती, जिसके चलते हुए दोस्तों यहाँ पे जो कॉरपोरेशन वाले हैं बेचारे परेशान हो जाते हैं और अब जाके नोटिस भेज रहे हैं, डिफॉल्टर जाहिर कर रहे हैं इन सारी कंपनीज को। तो छह बड़े टेलीकॉम कंपनीज जिसमें तीन बड़े नाम भारतीय एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन आइडिया, इनको भी लाखों रुपए यहाँ पे अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को टैक्स के यहाँ पे चुकाने। कब देंगे टैक्स वो पता नहीं, लेकिन फिलहाल ये थी अपडेट जो अगर अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो थम्स अप जो देना, आपके भाई का चैनल वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के साथ, उन्हें डेफिनेट चलेगा। पहली बार हमारे चैनल पर, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, इस लाल कलर के बटन को जल्दी से दबा के हमारे वीआईपी मेंबर बन जाइए, क्योंकि हम 2 लाख सब्सक्राइबर के पास पहुंच रहे हैं। तो दबा दीजिए, इसके पास दिखेगा घंटे का बटन, उसको भी जरूर दबा देना, उसको दबाने से जब भी मैं नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो। तो प्लीज इस घंटे के बटन को जरूर दबा देना। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर तो बनता है, उसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, उससे मोटिवेशन मिलता है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ। तब तक वॉच, केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।